हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो महाराष्ट्र बोर्ड थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की ये जो लेक्चर सीरीज शुरू की है, तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस की। रोटेशनल डायनामिक्स न्यू सिलेबस के अनुसार आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें दो थ्योरम है आपको, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो दोनों में से एक कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो सीधा हम क्वेश्चन पे पढ़ते आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोल रहा है, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग आपको ये थ्योरम प्रूव करना है, ओके। तो एक चीज समझ लो, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिटरमाइन करने के लिए जो स्टेप होते हैं वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो आपको वो बॉडी का एक्सिस लेना होता है। सपोज इस एक्सिस के अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो बॉडी ऐसे घूम रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। अब आप बोलोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो वो अलग टर्म है, हमारे इस लेक्चर का वो टॉपिक नहीं है। हम ऐसे कंसिडर करके चलते हैं कि आपको पता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो बॉडी गोल घूम रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मास ले लेंगे, इसका एक छोटा सा एलिमेंट, इसको बोलेंगे डीएम। क्या बोलेंगे, डीएम। एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस ले लेंगे हम आर। तो मास और डिस्टेंस मिल गया। तो छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे कैसे, डिस्टेंस स्क्वायर को मास से मल्टीप्लाई करके। तो ये छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है ये छोटे से पार्टिकल का मिला है। अब मुझे पूरे बॉडी का चाहिए, तो मेरे पास एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसको मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन। तो अब मैंने अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ऐसे ही मान लो दूसरा कोई एक्सिस है ये, इसके सराउंडिंग में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो रैंडमली मैं एक एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा, कोई भी, हाँ कोई भी, यही हो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। इसका मास ले लूंगा मैं डीएम, सपोज इससे डिस्टेंस है मेरा आर, आर वन, आर कुछ भी ले सकते हो, डजंट मैटर। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करूंगा। छोटा सा जो मास है उसको बोलेंगे एलिमेंट। तो छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आर स्क्वायर इंटू डीएम, डिस्टेंस स्क्वायर इंटू डीएम। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो मुझे मिल जाएगा पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं, और इन स्टेप का यूज करके पहले तो हम एक प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे, बाद में उसको प्रूफ भी करेंगे। टोटल 3 मार्क के लिए आपको आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम या क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, महाराष्ट्र बोर्ड की जो एग्जामिनेशन होती है ना थ्योरी का, उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा, स्टेटमेंट समझना, स्टेटमेंट। अब क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस है तो कुछ पैरेलल एक्सिस के बारे में ही होगा, ओके। तो इसका स्टेटमेंट देखो कुछ इस तरह से है, द यमआई स्टैंडर्ड शॉर्टकट लिख सकते हो आप एग्जाम में भी, द यमआई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट। समझ रहे हो, समझाता हूँ मैं, टेंशन मत देना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम यानी एडिशन, सम ऑफ एम आई ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट मीन्स के सराउंडिंग में चाप होती, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। अब सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, समझ लो, मान लो ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी किसी भी रैंडम शेप की हो सकती है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, समझना बेटा, सेंटर ऑफ मास है।
तो सपोज बॉडी इस एक्सिस के सराउंडिंग में घूम रही है, तो इसके अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब मैं क्या करता हूँ, रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मैं ओ, कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब मान लो इसके सराउंडिंग में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, इसको मान लेता हूँ मैं IO, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी पॉइंट ओ, अबाउट रिजिड बॉडी अबाउट एनी पॉइंट ओ। अब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल हैं, मान लो ये दोनों एक्सिस के बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस है उसको मैं ले लेता हूँ h, और ये बॉडी का टोटल मास कितना है m, और मुझे IC पता है और IO पता करना है। तो मेरे पास ये थ्योरम है, इसका प्रूफ भी है 3 मार्क के लिए। तो थ्योरम क्या बोल रहा है, IO इज इक्वल टू IC प्लस m h स्क्वायर। सो दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को अगर पढ़ोगे तो इसको ही बोलेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसका क्या मीनिंग होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी और दिस बॉडी अबाउट एनी पॉइंट ओ, अबाउट एनी पॉइंट ओ इज इक्वल टू सम, सम यानी एडिशन, एडिशन किसका एडिशन है, IC और ये प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लीकेशन और IC दोनों का एडिशन IO होता है। तो क्या बोल रहा है, MI ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, MI ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ, समझ रहे हो, सम ऑफ MI ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। IC क्या है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ये क्या है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब इसको हम प्रूव करेंगे, क्या है स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। तो चलो अब इसको हम प्रूफ करते हैं, ये तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिख दिया, इतने को एक मार्क आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करेंगे, ये जो मैथमेटिकली हमने लिखा है IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, अब इसको हम प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के लिए प्रोसीजर क्या यूज करेंगे, जो मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताई कि भाई छोटा सा एलिमेंट कट करो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करो, ऑटोमेटिक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ, टू प्रूव, प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। तो फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, कंसीडर कंसीडर अ रिजिड बॉडी, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m, ऑफ मास m, तो एक रिजिड बॉडी ले लेंगे, समझना, सेंटर में ड्रॉ करता हूँ, चलो अच्छे से और समझ में आएगा। ये रिजिड बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये कोई भी पॉइंट है O, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग में अगर बॉडी घूमती है तो इसके सराउंडिंग में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे IO, और इसके सराउंडिंग में अगर आप बॉडी को घुमाओगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा IC, ओके। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, C क्या है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी भी बोल सकते हो, O एनी पॉइंट, एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन प्रूफ के लिए इसके स्ट्रेट लाइन में ले लेना, प्रूफ आसान हो जाएगा। उसके बाद IO क्या है, MI ऑफ बॉडी अबाउट अबाउट पॉइंट ओ, IC क्या है, MI ऑफ बॉडी अबाउट अबाउट पॉइंट सी, समझ रहे हो, सी क्या, सेंटर ऑफ मास, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, h, तो स्मॉल h क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, स्मॉल h का डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, m तो हमने कंसीडर कर लिया है, ओके। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जिसका मास है dm, और ये पॉइंट क्या है, P, क्या है, पॉइंट P। अब क्या करेंगे हम, इसको इससे जोड़ लेंगे, इसको इससे जोड़ लेंगे,
इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा आर जीरो, ये जो डिस्टेंस है ना ओ से पी का, इसको बोलूंगा मैं आर जीरो, और इसको मैं बोलूंगा आर, ये डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं आर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा टुकड़ा, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास, छोटे मास को हम डीएम से रिप्रेजेंट करें, डीएम एट पॉइंट पी एंड लेट ओ पी इज इक्वल टू आर जीरो एंड सी पी इज इक्वल टू आर, ओके। अब इसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम ताकि आगे आसानी हो जाए प्रूफ के लिए। तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से करेंगे बेटा कि हम क्या करेंगे, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ऑन प्रोड्यूस्ड ओ सी। तो ओ सी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम, ओ सी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट को बोलेंगे यम, क्या बोलेंगे यम, ठीक है। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट यम, परफेक्ट। बुक में क्यू दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो क्यू ले लेंगे, ठीक है क्यू ले लेंगे, ओके। ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन प्रोड्यूस्ड ओ सी, ओ सी को बढ़ा लेंगे और परपेंडिकुलर ले लेंगे, और मान लो ये जो डिस्टेंस है इसको हम यक्स कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लेट सी क्यू या क्यू सी इज इक्वल टू यक्स, समझ रहे हो, सी क्यू इज इक्वल टू यक्स। अब मुझे बताओ, मुझे सबसे पहले पता करना है आई ओ, क्या पता करना है आई ओ, समझना वा, आई ओ पता करने के लिए मैं कैसे करता हूँ। तो आई ओ पता करने के लिए प्रोसीजर क्या है, पहले तो मैं एक छोटा एलिमेंट ले लूँगा डीएम और उसका डिस्टेंस काट लूँगा इस एक्सिस से, कितना है आर ज़ीरो, तो आर ज़ीरो स्क्वायर इंटू डीएम, ये मुझे मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, ये छोटे एलिमेंट का, अबाउट दिस एक्सिस ये छोटे एलिमेंट का, लेकिन मुझे छोटे एलिमेंट का नहीं चाहिए, पूरे बॉडी का चाहिए, तो मैं इस छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। तो विल गेट आई ओ एज इंटीग्रेशन ऑफ आर ज़ीरो स्क्वायर इंटू डीएम, इक्वेशन नंबर वन, समझ रहे हो, सिंपल इक्वेशन नंबर वन। नाउ सिमिलर टू दिस आई विल फाइंड आई सी, तो IC पता करने के लिए, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए सेम फैशन में मैं फिर से, अब अलग एलिमेंट काय को लेना, यहाँ पे रेडीमेड है ना एलिमेंट, इसलिए मैं यही एलिमेंट ले लूँगा और डिस्टेंस कितना है R, तो इस बार क्या हो जाएगा R स्क्वायर इंटू डीएम, बट दिस R स्क्वायर इंटू डीएम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट, लेकिन मुझे पूरे बॉडी का चाहिए ना, तो पूरे बॉडी का चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन की वजह से छोटे 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 एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडअप हो जाएगा और मुझे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो वो हो जाएगा आई सी। तो मुझे प्रूव करना है आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। अब ध्यान से देखना, ये जो ओ पी क्यू है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये 90 डिग्री है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, क्या ओ पी स्क्वेयर, देखो हाँ ओ पी स्क्वेयर बेस स्क्वेयर, मतलब क्या ओ क्यू स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर, सिंपल ओ क्यू स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, बट ओ क्यू इज इक्वल टू, देखो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी क्यू, ओ सी प्लस सी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करो, क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ बॉडी को, हाँ स्पेस बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू के जगह क्या रखा हमने, ओ सी प्लस सी क्यू होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो कैसे, ए प्लस बी होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस टू ओ सी इंटू सी क्यू प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये आ गया ओ पी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करो बेटा, ये आखिरी वाले दो टर्म पे फोकस करो या कॉन्सेंट्रेट करो, क्या है ये सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, देख लो सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, मतलब ये जो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है उसका ये बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर है, तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर, समझते हो, मतलब इन ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल पी सी क्यू ट्रायंगल पी सी क्यू में हम क्या लिख सकते हैं,
ये जो है ये दिस इज सेंटर ना, ये से सी पी स्क्वायर छोटा वाला हाइपोटेन्यूस, सी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, समझ रहे हो? तो सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर की जगह सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर की जगह मैं सी पी स्क्वायर रख सकता हूँ। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस टू ओ सी इन टू सी क्यू प्लस सी पी स्क्वायर। ये जो सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर था, सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर था, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखना बेटा हम क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे। अब ओ पी की जगह क्या रख सकते हो, ओ पी की जगह रख सकते हैं आर जीरो, ओ पी स्क्वायर है तो आर जीरो का भी स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं एच रख सकते हैं, सॉरी आर जीरो स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं एच स्क्वायर, परफेक्ट एच स्क्वायर रखेंगे ओ सी स्क्वायर की जगह, प्लस टू ओ सी की जगह एच और सी क्यू की जगह एक्स प्लस सी पी स्क्वायर, देखो सी पी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सा इक्वेशन मिला। अब ये इक्वेशन और इन इक्वेशन पर नज़र दौड़ाओ तो ये कुछ टर्म मिले हैं हमें आर जीरो स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन इस तरह से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो करेंगे मल्टीप्लाई विथ डीएम, डीएम से मल्टीप्लाई करो सबको, क्या हो जाएगा आर जीरो स्क्वायर इंटू डीएम इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू डीएम प्लस टू एच एक्स इंटू डीएम प्लस आर स्क्वायर इंटू डीएम। तो सिंपली हमने क्या किया, जो हमें इक्वेशन मिला उस इक्वेशन में सारे टर्म को हमने डीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो सिर्फ इंटीग्रेशन की कमी है, तो यहाँ पर मैं और ऐड कर देता हूँ एंड टेक और ले लो, क्या ले लो इंटीग्रेशन, एंड टेक इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या बोलता है, एडिशन पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये इस तरह से मैंने इसको क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन एक और दो को देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एक और दो को देखेंगे। अब सिंपल लॉजिक लगाना है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में हमें नहीं घुसना, तो हमें ये प्रूव करना है आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो ये देख लो, ये टर्म देख लो और इक्वेशन वन देखो, आर जीरो स्क्वायर इंटू डीएम और इंटीग्रेशन, आर जीरो स्क्वायर इंटू डीएम और इंटीग्रेशन, इसके जगह क्या रख सकते हो आई ओ इज इक्वल टू, अब ये जो एच स्क्वायर इंटू डीएम है इसमें से हम क्या करें, इसको ठीक है रख देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये टर्म देखो, आर स्क्वायर इंटू डीएम इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डीएम, तो ये क्या है आई सी, क्या है आई सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई सी प्लस प्लस। अब इसमें से एच स्क्वायर जो कांस्टेंट होता है, लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तीनों में कांस्टेंट सीधे सीधे बाहर आ जाता है, तो एच कांस्टेंट है इसको मैं बाहर ले लूँगा, एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम और प्लस ज़ीरो, प्लस ज़ीरो बताता हूँ, टेंशन मत लेना, इसकी वैल्यू कितनी रखना है मुझे, ज़ीरो रखना है। तो होता क्या है, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ टू एच एक्स इंटू डीएम इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो होता है, ये कितना होता है ज़ीरो। अब आप बोलोगे सर क्यों होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी का एग्जाम देने जा रहे हो, ज़्यादा इसमें मत घुसो, या पता ही करना है, तो एक रूल है एलेवेंथ में, क्या है कि द सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ज़ीरो, सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ज़ीरो। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इसका, चलो ये कितना आ गया ज़ीरो। अब और एक एक चीज़ समझो, आप मैथमेटिक्स में डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो यक्स, ऐसे ही डी एम का इंटीग्रेशन आ जाता है यम। तो आप बोलोगे कैसे सर, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ सिमिलर थिंग इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो ऐसे छोटे 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 डी एम पूरे ऐड करते जाओगे तो पूरे बॉडी का मास मिल जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इज यम। तो फाइनली हमें इक्वेशन मिलेगा आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एच स्क्वायर इंटू यम, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम की जगह क्या रखेंगे एच यम रखेंगे, क्या रखेंगे यम। तो फाइनली विल गेट एज आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट योर प्रूफ। अब यहाँ पर ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये ले स्टेप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, दो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, इतना सारा लिख रहे हैं हम और तीन मार्क हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो, ये इलेवंथ में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने प्रूव कर दिया क्या, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब
प्लेलिस्ट में जाके देखना इसके आगे वाला ही लेक्चर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।